आपका ये जो लाइन सेगमेंट है, दैट इज, तो जो ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का एक एक्सट्रीमीज एक्स एक्सिस पे है, मतलब एक एंड पॉइंट आपका ए जो है वो एक्स एक्सिस पे है और दूसरा जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है। तो इसका मतलब कि ये एक्सट्रीमीज अपने खास लोकेशन पे हैं। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उस पॉइंट के पास पहुंचने के लिए आपको वाई पे नहीं चलना पड़ता है। इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट आपका ज़ीरो होगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट तो हमारा नोन हो गया, वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज ज़ीरो होगा, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो जाहिर सी बात है वाई एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स पे कुछ भी नहीं चलना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो जाएगा। तो जो हमें ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, एक एक कोऑर्डिनेट पता है, ए का हमें ऑर्डिनेट पता है और बी का अपसिसा पता है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द अपसिसा, चलिए एक्स वन और इसे मान लेते हैं हम लोग वाई टू। तो हम ये कहेंगे कि जो अपसिसा दिया गया है ए का, नहीं दिया गया x1 है, सपोज x1 कॉमा जीरो हमने ये पॉइंट मान लिया और b मान लिया जीरो कॉमा वाई टू और p मिड पॉइंट है। तो हम लोग क्या जानते हैं मिड पॉइंट के लिए कि अगर मिड पॉइंट का अपसिसा x है और जो एक्सट्रमीज हैं उनके अपसिसा x1 और x2 हैं तो x1 और x2 by 2 ये रिलेशन होता है, ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं x1 x2 का एवरेज है। तो x हमें मतलब कितना दिया गया है आपको, 2 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये आपका x है और ये y है, यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गई, x1 है एंड दैट कम्स आउट दैट विल बी y1 और ये क्या हो गया आपका x2 और y2। तो यहाँ से वैल्यू प्लेस कर लेंगे आप तो 2 इक्वल्स टू x1 आपका x1 है और x2 आपका 0 है होल अपॉन 2। तो क्लियरली यहाँ से आपका x1 कितना आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली जो b के ऑर्डिनेट के लिए हम लगा दें तो ऑर्डिनेट अगर मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट y है और एक्सट्रमीज का जो ऑर्डिनेट है y1 और y2 है तो y1 y2 का एवरेज y होता है, तो y1 प्लस y2 बाई 2। अब y यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 3 दिया गया है और y1 आपका 0 है जबकि y2 y2 है, दैट्स वी हैव टू फाइंड आउट 2। तो यहाँ से y2 आपका कितना हो गया, 6 हो गया। तो देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट्स थे दोनों के आ चुके हमारे पास, जो पॉइंट A हो गया दैट इज A इज x1 कॉमा 0 था, x1 की वैल्यू हमारी 4 आ गई है तो ये हो गया 4 कॉमा 0 एंड b जो हो गया आपका वो 0 कॉमा y2 था, 0 कॉमा y2 का मतलब कितना हो गया आपका 0 कॉमा 6, ये दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए। तो इसमें इस क्वेश्चन में यही स्पेशल था कि ये पॉइंट जो थे पॉइंट a x एक्सिस पे था तो ऑब्वियसली उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा और बी जो हमारा पॉइंट था वो वाई एक्सिस पे था जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो दैट इज़ ए स्पेशल अबाउट दिस क्वेश्चन।